वेलकम बैक टू किटकैट प्रेजेंट्स प्लैनेट बॉलीवुड ब्रेकिंग बॉलीवुड न्यूज। फ्रेंड्स, फ्राइडे को हमने आपको बताया था बॉलीवुड के भाईचारे के बारे में, यानी किस तरह ऑल द बेस्ट ब्लू और मैं और मिसेस खन्ना के स्टार्स एक दूसरे को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये तीनों फिल्में रिलीज हुई, इन स्टार्स के बदल गए रंग। कैसे, जानते हैं हमारी किटकैट ब्रेकिंग न्यूज में। रिलीज से पहले Back to back. रिलीज के बाद मैं नहीं देख पाया, मैं इसी को प्रमोट करने के चक्कर के अंदर। सलमान खान मैं और मिसेस खन्ना की रिलीज से पहले निभा रहे थे अजय देवगन और अक्षय कुमार से भाईचारा। सलमान देखना चाहते थे मैं और मिसेस खन्ना को टक्कर देने वाली दोनों फिल्में ब्लू और ऑल द बेस्ट, वो भी बैक टू बैक। पर मैं और मिसेस खन्ना को मिली उम्मीद से कम ओपनिंग ने ठिकाने लगा दिया है सलमान का ये भाईचारा। सलमान भूल गए हैं अपना एक कमिटमेंट। Back to back. जब हमने सलमान को याद दिलाया उनका वादा, तो सलमान ने बता दी अपनी मजबूरी। मैं नहीं देख पाया, मैं इसी को प्रमोट करने के चक्कर के अंदर। माना ये वजह काफी वाजिब है, लेकिन सलमान आप तो उनमें से हैं जो अगर एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर खुद की भी नहीं सुनते। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ऐसे में हमें कुछ खास कन्विंस नहीं कर पाया सलमान का ये एक्सक्यूज। मैं नहीं देख पाया, मैं इसी को प्रमोट करने के चक्कर के अंदर है। इस वादे को अगर छोड़ भी दें तो सलमान को मैं और मिसेस खन्ना के प्रमोशन से जुड़ी और भी कई बातें अब अखड़ने लगी हैं, खासकर अपनी फिल्म की प्री रिलीज प्रमोशनल स्ट्रेटजी। When I started this promotion this film ना, कुछ मेरी ही वजह से ये कि ये मर्दों का ये ऐसा है, I forgot to say कि this is a romantic comedy। भाई कंपटीशन इतना है तो भाईचारा तो छोड़ना पड़ेगा ही। तो सलमान भी अब अक्षय और अजय देवगन से अपना भाईचारा छोड़कर भिड़ गए हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन में। कुछ ऐसा ही हाल है अक्षय कुमार का भी। दिवाली पर अपनी फिल्म ब्लू को हाइप देने के लिए अक्षय ने भी छोड़ दिया है सलमान से भाईचारा। सलमान के साथ उनके बीइंग ह्यूमन फैशन शो में रैंप पर चलने वाले अक्षय अब ब्लू को अव्वल बताने के लिए सलमान की फिल्म की ही हवा निकालने पर तुल गए हैं। ये ट्रेजर हंट है, इसके अंदर वो सारे सीन्स नहीं है, मांग में सिंदूर भरना, मुझे वो वाले एक्शन नहीं कर रहे हैं, वो दिशुं, दिशुं। अब ये भी भला कोई कहने की बात है, ब्लू के अंडर वाटर एक्शन सीन्स के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है, तो फिर भला अक्षय के स्टंट क्यों नहीं नजर आएंगे वांटेड से डिफरेंट। वैसे अकी के साथ है उनकी लकी चार्म कटरीना कैफ भी। अक्षय, आपके लिए कटरीना एक लकी चार्म साबित हो रही, क्या इसी वजह से फिल्म में कटरीना है ये? पर लगता है सलमान से अकी का कम होता भाईचारा कटरीना को भी पसंद नहीं आ रहा है। Would you can say other things also, like hard working, talented? Okay, ji, she is very hard working, talented and intelligent. यानी अक्की भी नहीं छोड़ रहे हैं भाईचारे के लिए कोई जगह। नतीजा, रिलीज के बाद तीनों फिल्मों में मच गया है जबरदस्त घमासान, और इस घमासान में अजय देवगन भी नहीं है कहीं पीछे। अजय देवगन अपनी फिल्म ऑल द बेस्ट की स्टार कास्ट के साथ हर जगह नजर आ रहे हैं फिल्म प्रमोशन के लिए। अजय बिपाशा और फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ निकल पड़े हैं सबको ऑल द बेस्ट देखने की वजह गिनाने। I think that night scene was hilarious, the climax was hilarious, everywhere, I mean, there were reactions, so I can't pinpoint one thing, they were laughing all through, half the dialogues we can't hear. अजय और अक्षय की बातें सुनकर तो सलमान समझ ही गए होंगे कि कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है असली दुनिया में, और इतने कॉम्पिटिशन के बीच प्रोफेशनल लेवल पर भाईचारा निभाना तो और भी मुश्किल है। वेल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इन तीनों ही फिल्मों को मिले इस फेस्टिवल पर रिलीज का पूरा फायदा, और ये भी कि पोस्ट रिलीज कॉम्पिटिशन के बावजूद सलामत रहे सलमान, अक्षय और अजय देवगन का भाईचारा। फॉर पंकज कौरव, जूम, मुंबई।